हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम्स स्टडी सेंटर। बच्चों, आज मैं आपको वर्ग 10 के प्रथम चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, पेस फॉर लिविंग। बच्चों, ये जो पेस देख रहे हैं ना, पेस मतलब होता है रफ्तार और लिविंग मीन्स जीवन। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है जीवन की रफ्तार और आज मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है। चलिए लेट अस बिगिन। आरसी हचिंसन्स, ए ब्रिटिश नोबलिस्ट, एक्सहिबिट्स an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary societies with all its contradictions and paradox. सबसे पहले इसमें वर्ड मीनिंग में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये नोवेलिस्ट है, इसका मतलब इतिहासकार होता है। एक्सहिबिट्स, प्रकाशित करना। एक्सेप्शनल फ्लेयर, असाधारण तरीके से। सेंसेटिव इशूज, संवेदनशील मुद्दा। कंटेम्प्ररी सोसाइटी, समकालीन समाज। कॉन्ट्राडिक्शंस, अंतर्विरोध। और पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। तो बच्चों, आर्थी हचिंसन्स एक ब्रिटिश नोबलिस्ट हैं, उन्होंने समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को इसके अंतर्विरोध और विरोधाभास के साथ असाधारण रूप से प्रकाशित किया है। इन द पेस फॉर लिविंग, और इस चैप्टर में जिसका नाम है पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। बच्चों, इस चैप्टर में जो दिया हुआ है पेस फॉर लिविंग, जिंदगी की रफ्तार, आरसी हचिंसन इस चैप्टर में आधुनिक आदमी के जो अकेलापन है उसको कैप्चर किए हैं, उसको दिखाए हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ल द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, ब्रिंग्स आउट, इसका मतलब होता है प्रकाशित करना। फास्ट मूवमेंट, तीव्र गति। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना होता है। अनड्यू प्रेशर, बेवजह दाब, अनचाहा दबाव। चलिए इसका हिंदी बताते हैं। ही ब्रिंग्स आउट, उन्होंने प्रकाशित किया कि कैसे आज की दुनिया में मनुष्यों, वस्तुओं आदि की जो तेज रफ्तार है, उन्होंने समाज में औरतों, बच्चों और मनुष्यों पर बेवजह दबाव डालकर उन्हें, उनकी सामान्य गति को चोट पहुंचा रहे हैं, इस बारे में बताया है। तो चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आरसी हचिंसन कहते हैं, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच चीफ कैरेक्टर वाज इल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। बच्चों, जो देख रहे हैं, कॉर्न मर्चेंट मतलब होता है अनाज व्यापारी, और आयरिश जो देख रहे हैं ये आयरलैंड का छोटा सा गांव है। तो आरसी हचिंसन कहते हैं कि मैंने डबलिन में एक नाटक देखा हाल ही में। नॉट लॉन्ग एगो मीन्स हाल ही में। मैंने हाल ही में डबलिन में एक नाटक देखा जिस नाटक का मुख्य करेक्टर एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी था और वो आयरलैंड के छोटे से गांव में रहता था, छोटे से शहर में रहता था। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज
एंजाइटीज़ में तो होता है परेशानियाँ, चिंता। तो कहता है क्या आरसीएसएन कहते हैं कि वह अनेक चिंताओं से घिरा हुआ आदमी था। हिज हर्ट वॉज डिकी, उसका दिल कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा था उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैड फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 pounds ऑन ए हॉलीडे, उसकी पत्नी को प्रत्येक हॉलीडे पर 10 pounds खर्च करने की आदत थी। अल्टोगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हार्ट। बच्चों जैसे कि बताया है आर्ची हसन ने कि उसकी पत्नी प्रत्येक हॉलीडे पर 10 pounds खर्चा करती थी। अल्टोगेदर मीन्स होता है कुल मिलाकर उसकी जो जीवन की रफ्तार थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। इतना ज़्यादा कि इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, निराशा के क्षण में उसके दिल से आवाज़ें आती थी। वह कहता था दे टेल मी, वह मुझसे कहता था कि देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ गोज एट 100 miles an hour, नाउ दैट इज़ टू फास्ट। वो कहता था बच्चों कि एक एरोप्लेन है जो 1000 प्रति घंटे की चाल से चलती है और उसका जो स्पीड है काफ़ी तेज हो गया है। आगे देखते हैं। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। बच्चों लेखक कहते हैं कि मेरे लिए ये जो लाइन है ना, जो ऊपर वाला देख रहे हैं, ये जो लाइन है वो मेरे लिए बहुत ही इस नाटक का मोहक लाइन था। मुझे ये लाइन भा गया, पसंद आ गया। द मैंस कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। इरिलीवेंट मीन्स होता है अप्रासंगिक, सिचुएशन मीन्स हालात, और ग्लोरियसली मीन्स होता है शानदार। बच्चों लेखक कहते हैं कि उस आदमी का कंप्लेंट मतलब शिकायत, उस आदमी का जो शिकायत था वो इतना शानदार अप्रासंगिक था, इतना शानदार था कि उसके इस अपने हालात से बिल्कुल अप्रासंगिक था, मेल नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक्स, हंसी भी आई। इट स्टक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस वे द आयरिश गेट ए सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। यू सा दैट व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट। बच्चों लेखक कहते हैं कि मुझे एक उदाहरण के तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि कैसे आयरलैंड के लोग सूक्ष्म बातों तक पहुंचने के लिए इस प्रकार का असाधारण तरीका अपनाते हैं। आपने देखा ना उस बूढ़े मूर्ख का मतलब क्या था। आगे देखते हैं। नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी तीव्र गति को पसंद करता हूँ, मैं तो खुद तीव्र गति को पसंद करता हूँ। आई इंजॉय गो इन ए कार एट 90 miles an hour, मैं भी 90 miles प्रति घंटे की रफ्तार से कार में जाना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। बस शर्त यह है कि ड्राइविंग मैं करूँ और वो कार भी मेरा नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण के तौर पर बता रहा है कि मैं भी 90 miles प्रति घंटे की रफ्तार से कार में जाना पसंद करता हूँ। शर्त यही है कि मैं ड्राइविंग करूँगा
और वो कार भी मेरी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। I adore the machines that hurl you about at better sea। बच्चों ये हर्ल देख रहे हैं, हर्ल मीन्स होता है तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और एडोर मीन्स लगाव रखना। बच्चों लेखक कहते हैं मुझे भी मशीनों से लगाव है, मुझे भी मशीनों से लगाव है और मैं भी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पसंद करता हूँ, जैसे बेटरशी। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंसेस। बच्चों लेखक कहते हैं कि लंदन में रात का भोजन तथा अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना बड़ा ही सुखद अनुभव दिखाई देता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द प्लेजर्स रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल्स दैट सॉर्ट्स ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। कुछ मीनिंग देख लेते हैं। प्लेजर मीन्स होता है आनंद। समरसेट ये इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर है या गांव है। तो बच्चों ये कहते हैं आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल्स, कह रहा है कि मैं इससे यात्रा में सभी वास्तविक आनंद से वंचित रह सकता हूँ रहता हूँ। द सॉर्ट्स ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, कह रहा है कि वो जो उत्साह, द सॉर्ट्स ऑफ फन मीन्स वो जो उत्साह का प्रकार जो तुम्हें एक कंट्री बस में मिलेगी, जैसे समरसेट हुआ इंग्लैंड का छोटा सा गांव घूमने में, स्पेन का गांव घूमने में, जो तुम्हें आनंद प्राप्त होगी वो इसमें नहीं होगी। बट इट गिव्स यू ए सुपरफेशियल सेंस ऑफ ड्रामा, बल्कि ये ड्रामा का शानदार दृश्य प्रदान करेगा करता है। बच्चों यदि हम तीव्र गति से कहीं जाते हैं आते हैं तो हम यात्रा का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते हैं, बल्कि हमें एक ड्रामे की तरह प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। इट वॉज ए सॉर्ट्स ऑफ एग्जाइटमेंट, ये तो एग्जाइटमेंट का एक छोटा सा भाग है, एक प्रकार है, ये तो आनंद का एक छोटा सा प्रकार है। आवर एनसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। ये तो उत्साह का एक प्रकार है जो हमारे पूर्वज इससे वंचित रह गए थे, हमें इससे आभार पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग्स अनफ्रेंडली टू मी वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली टू डू टू फ्लो द फेस ऑफ द मशीन्स। बच्चों ये जो कह रहे हैं आरसी हचिंसन कह रहे हैं कि मैं आपको ये बोल रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ये स्पीड कहाँ अनफ्रेंडली हो जाती है, अनफ्रेंडली अमित्रवत बता रहे हैं कि ये स्पीड कहाँ अनफ्रेंडली हो जाती है, जहाँ हमारे समय का जो क्रियाकलाप है, हमारी मानसिक गतिविधि है, वो मशीनों के गति का अनुसरण करने लगती है, तब ये यात्रा, इस यात्रा के सारे आनंद हमसे छीन हो जाती है, हमसे वंचित हो जाती है, हम इस यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स दोज हु आर कर्स्ड विथ ली स्प्रिट डी एल ई स्क्लेरेट। बच्चों ये कह रहे हैं आरसी हचिंसन जो नाटक देखे हैं उस नाटक में बातचीत हो रहा है, कह रहा है क्या, मैं उन लोगों में से एक हूँ
मैं प्रेजुडिस के साथ कहता हूँ, मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं धीमी गति से सोचने वाला जनजाति से संबंध रखता हूँ। जो एल स्प्रिट ली एल स्क्रिएट से स्थापित होते हैं, ऐसे व्यक्ति पार्टी के समाप्त होने के 3-4 घंटे बाद उस पार्टी में शामिल होते हैं। मैं उन्हीं व्यक्तियों में से एक हूँ। आगे देखते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट बिकॉज दोज टेस्ट ऑफ ऑल वंस आई हैव कम अक्रॉस हिम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। बच्चों ये कहते हैं कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनको किसी बौद्धिक जांच परीक्षा में बैठा दिया जाए तो मैं गारंटी के साथ सबसे कम नंबर लाता हूँ, क्योंकि आज की जो परीक्षाएं हैं वो इस प्रकार की डिज़ाइन की गई हैं कि आप कितनी तेज़ सोचते हैं ये इसकी माप होती है। आप कितने तेज सोचते हैं ये इनकी माप होती है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर टेरिबली हैंडीकैप्टेड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। स्पष्टतः हम लोग आज जीविका के जो क्षेत्र है, जीवन जीने का जो व्यापारिक तरीका है, मुख्यतः उसमें हम लोग आज हैंडीकैप्ट हैं। बट what I am thinking about just now is not so much that practical use of one's mind as its use of enjoyment। बच्चों ये कहते हैं कि मैं इस वक्त दिमाग के व्यवहारिक यूज के बारे में नहीं, बल्कि दिमाग का उपयोग आनंद के लिए हो इसके बारे में सोच रहा हूँ। एज एन एग्जाम्पल के तौर पर, वेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। बच्चों उदाहरण के लिए तौर पर कह रहे हैं कि जब मैं सिनेमा हॉल में जाता हूँ तो मैं खुद को आशाहीन धुंध में महसूस करता हूँ। एंड आफ्टर टू और थ्री मिनट्स आई हैव टू टर्न माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। और 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपने पत्नी की तरफ प्रकाश डालने के लिए मुड़ना पड़ता है, समझने के लिए पूछना पड़ता है। आई विस्पर मीन्स होता है कानापूसी करना। बच्चों जो कान में धीरे धीरे बोला जाता है उसे कानापूसी कहते हैं। आई विस्पर मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। मैं अपने पत्नी से पूछता हूँ कि बताओ क्या ये वही लड़कियाँ हैं, क्या यह वही लड़की है जो सिनेमा के शुरुआत में हम लोगों ने देखा है। एंड सी विस्पर बैक, और फिर वो दोबारा मुझसे कहती थी, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, ए टॉल ब्लॉन्ड, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, ए मीडियम साइज ब्रोनेट। फिर वापस दोबारा मुझसे कहती थी कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लॉन्ड, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड और एक मध्यम आकार की ब्रोनेट। जो ये जो ब्रोनेट देख रहे हैं इसका मतलब होता है भूरे बाल वाली, ब्लॉन्ड मीन्स होता है भूरे बाल वाली, एक लंबी भूरे बाल वाली लड़की, एक नाटी भूरे बाल वाली लड़की और ये मध्यम आकार की भूरे बाल वाली लड़की है। कॉल देम ए बी एंड सी, हम लोग उसे ए बी और सी कह के बुला सकते हैं।
आगे देखते हैं। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हैट हिज हैट ऑफ व्हेन कम्स इंडोर। बच्चों ये जो कह रहा है इसमें जो हीरो है वह व्यक्ति है जो सिनेमा के शुरुआत में अंदर आता है और अपना हैट को ऑफ करता है, टोपी को उतारता है, हीरो वही है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ बी सी एंड ए इन दैट ऑर्डर। हीरो जो है वो इन तीनों लड़कियों से प्रेम कर बैठता है, पहले बी से, फिर सी से, उसके बाद ए से। एंड सो इट प्रूव टू बी, और ऐसा प्रतीत भी होता है। देयर यू हैव माइंड विच हैज़ टर्न्ड इटसेल्फ वर्क इन हाई गियर दाउ एज द मैटर ऑफ हैक्ट दैट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। बच्चों ये कहते हैं कि आपके पास जो दिमाग है वो काफ़ी प्रशिक्षित है, वो आपको आपने खुद से प्रशिक्षित किया है इस कदर कि वो तेज़ गियर में भी सोच सकता है, तेज़ गियर में भी। जैसे गियर की बात यहाँ पर हो रही है, हम लोग मोटरसाइकिल में जो गियर लगाते हैं तो हाई गियर लो गियर ऐसा प्रतीत होता है, जस्ट सेम हाई गियर में भी तेज़ गियर जो देते हैं हम लोग, उस तरह से भी हमारा दिमाग सोच सकता है। हम लोगों ने ऐसे अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया है। बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फ्लो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कम्फर्टेबली विथ रैपिड चेंज सीन एंड एक्शन। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस सिनेमा हॉल में जो भी मेरे तरह के लोग बैठे हैं वो आसानी से मेरे तुलना में सीन और एक्शन के जो तीव्र गति है, रैपिड चेंज, तीव्र गति जो है उसको आसानी से कंफर्टेबली से समझ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 years ago। वे लोग ऐसे सोचते हैं जैसे कि आज के ज़माने में और 30 वर्ष पहले के जो लोग थे उनसे ज़्यादा सोचते हैं। 30 वर्ष पहले के जो लोग थे उनके तुलना में आज ये ज़्यादा सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउडेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। संभवतः क्योंकि आज यदि हम आज के समय में इस हाई स्ट्रीट नाउडेज आज के समय में यदि हम इतना फास्ट नहीं सोचते हैं तो हमें सोचने के लिए कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बच्चों ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आई होप दैट यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक एंड माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।